निज सर्वशक्ति स्तत्रार्पिता हर बार करें नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्देवम् इदृशम् इह जनिनाय अनुराग अनेक लोकैर्वांछाय अनेक प्रकार कृपा ते करिलो अनेक नामेर प्रचार खाइते सुइते यथा तथा नाम लये देश काल नियम नहि सर्व सिद्धि है सर्वशक्ति नामे दिला करिया विभाग अमार दुर्दैव नामे नहीं अनुराग तुहु दया सागर तरईते प्राणी नाम अनेक तुया सिखायो लियानी एक नंबर का हरि बोल तराई ते प्राणी नाम अनेक तुया सकल सकति दे नाम तोहारा सकल सकति दे नाम तोहारा ग्रहण रखली नाही काल ग्रहणे रखली नाही काल विचार श्री नाम चिंतामणि तुहारी समाना विश्वे विलोली करुणा श्री नाम चिंतामणि तुहारे समाना विश्वे विलोली तू या दया परमायु शय मंदना भाग अतिशय मंदनाथ भाग मार नहीं जन्म लो नाम अनुराग मोरा ति विनोद चित्त दुखे विभोरा नहीं जन्म लो नामे अनुराग मोरा ति विनोद चित्त दुखे जन्म लो नामे अनुराग मोरा नहीं जन्म लो नामे अनुराग मोरा भक्ति विनोद चित्त दुखे विभोर करताल जोर से भक्ति विनोद चित्त दुखे विभोर भक्ति विनोद चित्त दुखे विभोरा
भक्ति विनोद चित्त रूपे। राधाम स्नात विभूषिताम ब्रज पया हुताम सखी भी प्रगेत गेहे विहितन्न पाक रचनाम कृष्ण यवशेषाशनाम कृष्णं बुद्धं अवाप्तधेनु सदनं निर्व्यूढगो दोहनं सुस्नातं कृतभोजनं सहचरेस्तां च ततं शयाश्रये राधास्नात विभूषित श्रीयशोदसमाहुत सखी संगी तद्गृहे गमाना राधा स्नात विभूषित श्रीयशोदसमाहुत तथा पाक विरचन श्रीकृष्णावशेषासन तथा पाक विरचन श्रीकृष्णावशेषासन मध्ये मध्ये दुहर मीना मध्ये मध्ये दुहर मीना कृष्ण निद्रा परिहरी गोष्ठे गो दोहना करी स्नानासन सहचार संगी कृष्ण निद्रा परिहरी गोष्ठे गो दोहना करी स्नानासन सहचार संगे ये लीला चिंता करो नाम प्रेमे घर घर ये लीला चिंता करो हरिवो प्रतिभक्ता जन संगे रंगे लीला चिंतया करो संकीर्तना लीला चिंतया अचीरे पाइबे तुमी भावुदीपाना चिरे पाइबे तुमी ए लीला चिंताया करो संकीर्तना ए लीला हरिओ करो संकीर्तना कुछ दिनों से शिक्षा अष्टक का चिंतन ही नहीं कर पा रहे इसलिए थोड़ा सा मन में आया कि आज आगे बढ़े पतित पावन श्रील गुरुदेव महाराज की जय परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद की जय गौर नित्यानंद भगवान की जय हम लोग एक विषय को लेके चल रहे थे कि जो
पहला श्लोक है चैतन्य महाप्रभु जी का शिक्षाष्टक का। बाकी के जो 7 श्लोक हैं शिक्षाष्टक के, वो पहले श्लोक की ही व्याख्या है। पहले श्लोक में क्या है, कौन बताएगा, हाथ खड़ा करो। पहले श्लोक में 7 क्या चीजें हैं, ना 7 क्या, उसे क्या बोलते हैं, उपलब्धियों को, सप्त सिद्धि है, 7 प्रकार की सिद्धियां, ठीक है। एक आप रहने दो, आपको मालूम, आप बोलो, और कोई बोलेगा, देख के बोलो, देख के बोलो, चेतो दर्पण मार्जनम, आगे आगे, एक है प्रतिपम पुनः, क्या है समागम गुम, जय हो, पूज्यपाद दामोदर महाराज की जय। तो दूसरा श्लोक जो है वो वास्तविकता में पहले श्लोक का विस्तार है, पहले श्लोक के पहले पद का। नंदन जी कितने पद हैं पहले श्लोक में, 7 पद है, 7 सप्त चरण है। तो पहला पद जो है वो क्या है, चेतो दर्पण, उसका अर्थ जो है चेतो दर्पण मार्जनम का भाव, अर्थ, फल, श्रुति, कुछ भी कहें, वो है द्वितीय श्लोक। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्परता नियमिता स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैव मिदृशम याजनि नानुराग। ये दुर्दैव है, दुर्भाग्य है कि आपके नाम में मेरा अनुराग नहीं हो रहा। बंदे को कब मालूम पड़ेगा, जब चित्त साफ होगा। मन तो कभी कभी संतों के शरण में जाने से, कीर्तन करने से, मन में कभी कभी एकदम ऐसे लगता कि हम पवित्र हो गए, ऐसा होता है, लगता है। लेकिन मन जैसे ही हम विषयों की तरफ झांकते तो बस फिर उधर लुप्त हो जाता है। तो मन की सफाई और ना सफाई होने पे ज्यादा जोर नहीं दिया है। चित्त रूपी दर्पण, दर्पण भी बोला इसलिए कि जहां दर्प ना हो, अभिमान ना हो, वो दर्पण होता है। जो आपके अभिमान को ना रखे, आपको दिखला दे तुम कैसे हो, कहते अपने औकात दिखा दे, वो दर्पण। क्या दिखला दे, कि कितने क्षुद्र हो, इतने ही क्षुद्र हो कि तृण से भी अधिक दीन हो, इतने ही, जीवात्मा कितनी क्षुद्र है, कितनी छोटी है। अपने छोटेपन का एहसास हो जाता है, दिख जाता है उस वक्त जब हमारा अभिमान नहीं रहता। कैसा अभिमान नहीं रहता, देखिए चित्रूपी दर्पण पे गंदगी क्या चीज की है, संस्कारों की। चित्त के ऊपर गंदगी अभी जो काम कर रहे हैं, अभी जो क्रिया कर रहे हैं, उसकी नहीं है, जन्म जन्मांतर के किए गए कर्मों के जो संस्कार बन गए वो है। यूं कह सकते हैं संचित कर्मों का प्रभाव, जहां संचित कर्मों का फल चित्त में। आप ये मत समझिएगा कि चित्रगुप्त बैठे हुए हैं तो उनके पास सारा खाता लिखा हुआ है। जितनी भी चींटियों से लेके हाथी तक जितने प्राणी हैं, उन प्राणियों का जितना खाता है उनके साथ ही चलता है, वो चित्त में चलता है। उपनिषदें कहती हैं चित्त जो है वो शरीर से किए गए और सूक्ष्म शरीर से किए गए कर्मों का स्टोर है, संस्कारों का स्टोर है। अब उसको छेड़ने की बात चैतन्य महाप्रभु ने की है। मैंने इसके ऊपर पहले दिन, दूसरे दिन बड़ी विस्तृत व्याख्या कर दी कि ये वेदों का सार है, इसमें स्पर्श नहीं करता हूं, आगे चले। तो उसको अब हम देखें, चित्त रूपी दर्पण मार्जन होगा हरिनाम से। हरिनाम कैसे लेना वो बता दिया। अब भी हरिनाम कैसे लेना है तृतीय श्लोक में ही बताएंगे, इसलिए प्रथमे प्रथम श्लोक भजो किछु दिन, द्वितीय श्लोके ते तवे हाओ तो प्रवीण, मतलब चित्तरूपी दर्पण को मार्जन अच्छे ढंग से करो, प्रवीण हो,
मार्जन करो। कैसे करेंगे? नाम प्रभु ही करेंगे, आपने सिर्फ नाम प्रभु को करना, काम उनका ही है, परिमार्जनकारी वो हैं। हम जब अपने मन को ही नहीं देख पाते, मन को ही नहीं पकड़ पाते, तो चित्त को कहां से पकड़ेंगे, कहां से उसको साफ करेंगे? ये केवल हो सकता है जैसे वैक्यूम मशीन होती है ना, करके सोख लेती है, ऐसे ही ये केवल हो सकता है वाइब्रेशन से। वाइब्रेशन क्या है? साउंड वाइब्रेशन। कौन सी साउंड वाइब्रेशन? शब्द का कंपन। कौन से शब्दों का कंपन? जो ट्रांसेंडेंटल है, जो अतिंद्रिय है, जो दिव्य है, जो भगवान के धाम से अवतीर्ण हुआ है। वो क्या है? भगवान का नाम। उसको जब हम एक फ्रिक्वेंटी, एक 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 घनत्व के साथ में जब हम लेना शुरू करते हैं, तब जाके चित्रूपी दर्पण मार्जित होता है और उसका फल है कि नाम, ओ नाम का विशाल स्वरूप दिखता है। नाम का विशाल स्वरूप मतलब अक्षर स्वरूप से दिखाई देता है। अक्षर स्वरूप का मतलब शब्द रूप, शब्द रूप का मतलब है तरंग रूप। उस तरंग की कितनी असीमता है, वो तरंग जड़ नहीं है। जैसे ये शब्द पहुंचने में आपको माइक का माध्यम लग रहा है ना, उस शब्द को पहुंचने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं है। वो शब्द किसी माध्यम से, जहां किसी माध्यम से सुना नहीं जाता, बोला नहीं जाता, कानों से वो सुना नहीं जाता है। ये कान उस साउंड वाइब्रेशन को सुन नहीं सकते हैं। इसकी केवल सामर्थ्य है -20 से +20 dB तक, इतना ही है। 50 dB में जाने में फट जाएंगे कान, वो हजारों डीबी ऊपर है। उसका जो एक एक घनत्व है, वो घनत्व को देख करके लगता है कि हे परमात्मा, आपका नाम ऐसा है जहां से ये सूर्य भी रोशनी ले रहा है। ये जो सूर्य नित्य निरंतर अनंत प्रकाश को दशों दिशाओं में फैला रहा है, कल्पना कीजिए, एक बम को आग लग जाए तो धमाका हो जाता है, पेट्रोल के टंक को आग लग जाए तो धमाका होके खत्म। ये तो खत्म हो ही नहीं रहा है, अनंत काल से है और लग ही रहा है। तब दिखाई देते भगवान के नाम का जो प्रकाश है, वो निरंतर यहां आ रहा है एक तरफ से, और वो प्रकाश ही नारायण स्वरूप से सूर्य नारायण कहला करके सारे जगत में प्रकाशित हो रहा है। तब दिखता है कि ये तो सूर्य एक नहीं है, अनंत है, और आपके नाम की अनंत महिमा। बाप रे बाप, ये जो साउंड वाइब्रेशन मैं देख रहा हूं, ये मेरे शरीर समर्थ नहीं है। ये चित्रूपी दर्पण मार्जित होने के बाद में आत्मा जो आनंद को अनुभव करती है, आत्मा जो आनंद को अनुभव करती है, वो शब्दों में बयान ना होने के कारण कह रहे हैं सर्वशक्ति। शब्द नहीं है, सर्वशक्ति। क्या बोलो, कुछ नहीं बता, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं, कौन सी बात बोलूं, किस शक्ति की बात। सर्वशक्ति नामे दिला करिया विभाग। चित्त दर्पण मार्जित होने के बाद में, और तो जब चित्रूपी दर्पण मार्जित होता है, सबसे पहली उपलब्धि अपने आप की होती है कि मैं हूं। कैसा हूं? स्वयं प्रकाशमान हूं। कैसा प्रकाशमान हूं? कि मेरा प्रकाश इतना है कि सूरज का प्रकाश भी मेरे को प्रकाश नहीं दिखता, इतना दिव्य प्रकाश है एक आत्मा, सूक्ष्म आत्मा का। समझ रही? ये जो हम छोटी सी आत्मा बोलते हैं, मान लो कण के बराबर, इतना इसका विस्तार है कि इतना इसका प्रकाश है कि बिना आवरण के अगर ये हो, गॉड्स पार्टिकल के अंदर भी इसके बारे में बोला है। ये जो इन्होंने स्विट्जरलैंड में किया था, स्विट्जरलैंड के अंदर गॉड्स पार्टिकल, मतलब इसके ऊपर बहुत बड़ी एक साइंटिस्टों ने, डॉक्टर एस एन बोस और वहाँ के जो हिप्स बोस, हिप्स बोस ऐसे करके एक की थी, उन्होंने बोला कि ये पार्टिकल है ना छोटा सा, कहते ब्रह्मांड पैदा कर सकता है। गॉड्स पार्टिकल आत्मा के लिए बोला। उन लोगों की भी समझ में आया जो वेद के वचन है, क्योंकि जब जीव को अपना अनुभव होता है तो उसे सब सब
सब उसको अपने भीतर ही लगता है। जैसे सूर्य को अपना अनुभव, तो सूर्य के अंदर ही सारे के सारे जितने भी नक्षत्र तारे घूम रहे हैं, जो रोशनी ले रहे हैं, उससे उसे अपने में लगते हैं, लगते ना। ऐसे जब अपना अनुभव होता तो ऐसे दिखाई देता है कि सब मेरे में, मैं सब में। तो ये जो ब्रह्मवाद है, जो ब्रह्मविद हैं, विद्वान लोग हैं, वो इस अनुभव को करके उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए उनको कहते हैं आत्मा राम। क्या बोलते हैं? अपनी आत्मा में ही रमण करने लगते। क्यों? अपने में ही सब कुछ और सब में खुद को देखने लगते हैं। ये चित्त रूपी दर्पण मार्जित होने का पहला सोपान है। परंतु इतना ही नहीं होता। चैतन्य महाप्रभु इस दर्पण मार्जन के इतने ही बात को नहीं कह रहे। क्यों? क्योंकि चित्रूपी दर्पण मार्जन का अगर बोला तो ज्ञानियों का भी हो जाता है, योगियों का भी हो जाता है। कैसे हो जाता है? गुरुदेव कहते हैं वाचो वेग मनस क्रोध वेग जिव्या वेग उदर उपस्थ वेग एतान वेगान जो विशेष धीरा। ये धीर व्यक्ति जितने भी हैं उनके अंदर होता है। वो पृथ्वी पे शासन कर सकते हैं, सारे मतलब अनुकूल प्रतिकूल कर सकते हैं, ऐसा होता है। परंतु भक्तों के लिए महाप्रभु जी ने कृपा करके जब चेतो दर्पण मार्जन बोला कभी किसी समय में किसी सभा में, तो देखा उसके बाद उसकी जब चर्चा होने लगी तब उसकी चर्चा में महाप्रभु जी ने नाम नामकारी बहुदया बोल दिया कि ये है चित्रूपी दर्पण मार्जन होने से क्या होगा, नाम नामकारी बहुदया ये प्रकट हो जाएगा। स्वयं का रूप प्रकट हुआ। क्या स्वरूप प्रकट होगा? हे प्रभु आप, पहले तो स्वयं का हुआ मैं अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, यह प्रकट हुआ। अयम आत्मा ब्रह्म, मेरी आत्मा ब्रह्म है, मैं सर्वत्र हूं, यह पता लगा। लेकिन फिर उसके बाद नाम नामकारी बहुधा, हे प्रभु ये अनंत मेरे जैसे आपसे हैं, आपका नाम अनंत वैभवशाली है, शब्द बोलने के लिए नहीं बचे, कहते सर्वशक्तिमान। निज सर्वशक्तिस्तत्र अर्पिता। ये जो प्रकट होगा ना, तब उसके बाद लगेगा ओहो, अभी तक जो उसने किया नाम किया है, तभी चित्ररूपी दर्पण मार्जन हुआ है, तभी अपना अनुभव हुआ है, अपनी अपना अनुभव होने के बाद में तभी वो दास भाव जागा कि प्रभु मैं आपका दास हूं, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आपका नाम नहीं कर पा रहा हूं। ये करने के बाद लगा। जो करता है ना उसको लगता नहीं हुआ, जो कमाता है ना उसको लगता कुछ नहीं कमाया। कई सेठ ऐसे हैं, उन्हें मालूम है 4 करोड़ होने से, 10 करोड़ होने से, 8 करोड़ होने से ना बैंक में जमा कर दो हर महीने का 1 लाख रुपए तो भाई जाएगा, मालूम है। फिर भी 50 घंटे 10 घंटे मतलब लगे रहते कि भाई और हो जाए और हो जाए। अरे जब तुम्हारा 8 लाख 10 करोड़ रुपए जमा कर दोगे 1 लाख रुपए महीना आ जाएगा, नहीं आएगा? बोलो ना, आ जाएगा। फिर काहे के लिए कमाई करनी? मिनिमम बोल रहा हूं, कम से कम, फिर काहे के लिए कमाई करनी, ज्यादा ही आ जाएगा। लेकिन नहीं, जो कमाता है उसको कमाने का एक नशा होता है, उसको लगता थोड़ा और हो जाए। ऐसे ही जो नाम करता है उसे लगता है कि नाम मेरे से निकल ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, नाम होगा कैसे, मैं तो अंधकार में डूबा हुआ पड़ा हूं। कहां अंधकार में डूबे पड़े हो, आपको तो अपना अनुभव हो गया। कहते नहीं, ये शरीर तो अंधकार है, यही तो मेरा दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य और अलग से क्या है? शरीर में आसक्ति सबसे बड़ा दुर्भाग्य। शरीर के सुख दुख, शरीर का भूख, शरीर का जो है पिपासा, यही मेरा दुर्भाग्य है कि इसके कारण ही मैं थोड़ा इधर उधर डामाडोल हो जाता हूं। इसलिए महापुरुष, अलग अलग तरह के बड़े बड़े महापुरुष मिले। एक महात्मा मिले, मैंने प्रणाम किया, मैंने कहा बाबा कृपा करो भाई, आपको तो ठाकुर जी मिल ही जाए। कहते तुम्हें भाई भगवान कृपा करे, हम तो चाहें हम भूत बन जाएं। मैं बाबा ऐसे क्यों बोल रहे हो? बाबा तो नहीं बोला गुरु जी, ऐसे क्यों बोल रहे हो? हमारे गुरु जी नहीं, किसी और संत को मैंने ऐसे बोला। बाबा गुरु जी आप कैसे कैसे बोल रहे हैं?
कहते बेटा ये है ना, ये इसमें खाना भी देना पड़ता है। अब खाया उसके लिए शक्ति उसमें लगती है, फिर जाओ नहाओ, झंझट है। ये जब नहीं रहेगा, खाने की भी जरूरत नहीं, नहाने की भी जरूरत नहीं, बस भजन करो प्रेत बन के। और वास्तविकता में एक बात बताऊं, ये जो महापुरुष लोग होते ना, ये साधारण नहीं होते, प्रेत तो बनते नहीं। वो उनका शरीर, उनका वह जो सूक्ष्म शरीर है, सिद्ध हो जाता है भगवान की, भगवान नाम चिंतामणि है। थोड़ा बात पे विचार करने लायक है थोड़ा सा। नाम क्या है? जैसा चिंतन करते वैसा ही वो फल देती है। नाम चिंतामणि के सामने अगर जीव ये प्रार्थना करे कि मेरे को हे प्रभु आप कृपा करके मुझे जो है शरीर मुक्त कर दीजिए, मतलब झंझट ना हो खाने पीने सोने उठने का जागने का, नित्य निरंतर आपका मैं चिंतन करता रहूं, तो भगवान उसको बाध्य हैं कि उसको उस अवस्था को देने के लिए बाध्य हैं। इसीलिए नारद जी, इसीलिए ध्रुव महाराज, इसीलिए सनक सनातन सनत कुमार, इसलिए कितने ही ऋषिगण हैं जो नित्य हैं, नित्य। समझ पा रहे हैं मेरी बात? उनके साथ संपर्क कोई भी व्यक्ति कर सकता है। कौन सा कोई भी व्यक्ति? हर कोई व्यक्ति। यदि कोई भी व्यक्ति पूरे कॉन्सेंट्रेशन से एक ही महापुरुष का स्मरण करे लगातार कुछ दिनों तक, महीनों तक, एक दो महीने तक, मैं तो कुछ और गारंटी देके बातें करता था, अब नहीं करता, लोग करते नहीं ढंग से, तो वो उनसे संपर्क करते हैं, उनसे संपर्क देते हैं। कोई गुरुदेव का ही ध्यान कर ले, चलो बाहर महाऋषियों को आप नहीं समझ पाए, नहीं जानते, संबंध नहीं, गुरुदेव का ही स्मरण कर ले, ढंग से कर ले, संपर्क देते हैं, आते हैं, साक्षात रूप से दिव्य दर्शन देते हैं, परोक्ष रूप से स्वप्न में भी दर्शन देते हैं, वार्तालाप भी करते हैं। तो इसलिए ये जो प्रभु का नाम जब अनुराग होता है, जब चित्रूपी दर्पण मार्जन होता है, तब यही क्रिया होती है कि उसे महापुरुषों का दर्शन होने लगता है और खुद का अनुभव होने लगता है कि मैं कहां फंसा हुआ हूं, क्यों पड़ा हुआ इस शरीर के अंदर, ये शरीर ही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है मेरा, ये सौभाग्य है जी, देव दुर्लभ है ये तो, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन का गावा, ये तो सुर दुर्लभ है, सब ग्रंथों ने कहा है। कहते जी सुर दुर्लभ है इसलिए कि इसमें साधन कर सकते हैं, लेकिन साधन करके जैसे ही प्राप्ति होती है तो इतना ज्यादा दुख होता है कि मैं क्यों इसमें फंसा हुआ हूं, क्यों नहीं मैं आपके पास आ जाता, हे गुरुदेव, आ गुरुदेव। गुरु जी की लीला में आप सब देख सकते हैं, आ गुरुदेव, आ गुरुदेव, किस प्रकार से गुरुदेव करुण स्वर में अपने गुरुदेव का स्मरण कर रहे हैं। वो जो है गुरुगत प्राण, एक डीवीडी है, देखा उसको आपने? तो क्या देखा दुनिया में, यूट्यूब पे भी है गुरुगत प्राण बोल करके, देखिए परम गुरु जी के रूम में जाके गुरु जी उनके बिस्तर को ऐसे स्पर्श कर रहे हैं जैसे मानो परम गुरुदेव के श्री अंगों को स्पर्श करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, हा गुरुदेव आप कहाँ चले गए, कहाँ गए, कहाँ गए, ऐसी करुण आवाज, ऐसा करुण भाव, ओ गुरुदेव। वो कहाँ से आता है? ये गुरु जी ने, सिद्ध महापुरुषों ने हमारे को जो हमारी समझ में आ जाए, योग माया की करुणा कहूंगा मैं, महापुरुष लोग अभिनय नहीं करते कि दिखा दिया उन्होंने, वो दिखाते नहीं है, ये तो योग माया की कृपा है, श्री राधा रानी की करुणा है कि भक्तों में ऐसी भक्ति का जानबूझ के संचार कर देती हैं कि जिससे कि भक्तों के भाव जीवों में भी संचारित हो, अनुभव हो, जान ऐसे आए कि हाय ऐसी भी स्थिति होती है। ठीक है, तो वो स्थिति में जब फलश्रुति ये है, आपने कोई नियम नहीं रखा, नाम नामकारी बहुधा निर्सर्व, कोई नियम नहीं रखा, कहीं भी कर सकता हूं, लेकिन कहीं भी नहीं कर रहा हूं मैं तो, मेरा इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। ये दुर्भाग्य शब्द क्यों कहा? दुर्दैव शब्द का अर्थ होता है, दैव का मतलब होता है भाग्य,
देवताओं के द्वारा दिया हुआ आपके कर्मों का फल, यह दैव, देवताओं के द्वारा दिया गया आपके कर्मों का फल ही दैव है, तो इसे कहते दुर्भाग्य। ये दुर्भाग्य हमने ही बनाया, ये कोई देवताओं का दिया हुआ नहीं है। देवता तो एकमात्र देने वाले हैं, जो आएगा रिफ्लेक्ट करेंगे, जो आएगा रिफ्लेक्ट करेंगे, उनका काम है रिफ्लेक्शन, जैसी आएगी वैसी देंगे। तो ये चीज का अनुभव हो जाता है। हमने आज सवेरे भी सुना था कि अगर अब हम कहें चलो जी नाम करें, नाम से होगा तो हम तो नाम कर रहे हैं, हमारा क्यों नहीं हो रहा है ना, हम तो हरिनाम कर रहे हैं, हमारे अंदर ऐसा जागृति जा, हमारा अनुभव अपना क्यों नहीं हो रहा। तो नाम करना कैसे है उसके बारे में बोल रहे हैं, कैसे करना है वो कल हमने आज भी सुना था कि सर्व त्याग करी लेऊ छाड़ा सु कठिन प्रतिष्ठा आशे त्यागे आशा त्यागे यत्न पाई वे प्रवीण। ये जो प्रतिष्ठा की आशा को छोड़ने के लिए विशेष योग्यता चाहिए, आज हमने इसको श्रवण किया था, जो सवेरे श्रवण किया था उसी को आगे समाप्त आज करता हूं। श्रद्धा करी साधु संगे कृष्ण नाम लय, कैसे होगा, श्रद्धा करी, श्रद्धा करके साधु संग, श्रद्धा के बिना साधु संग जो होता है उससे नहीं होगा। श्रद्धा के बिना साधु संग होता है, हाँ होता है, कैसे होता है, बहुत दिनों से सुनते हैं अज्ञान तिमिरंधस्य, पता ही नहीं अज्ञान तिमिरंधस्य का अर्थ क्या है, श्लोक क्या है, पता ही नहीं। ये है बिना श्रद्धा के किया गया साधु संग। अगर हम श्रद्धा के साथ करें तब इसका फल भी नजर आएगा। क्या बोला मैंने प्रभु जी, क्या बोला, क्या करना चाहिए श्रद्धा के साथ, श्रद्धा के साथ करना क्या चाहिए, आप ध्यान इधर उधर मत रखिए, कृपा कीजिए मेरे पे, दया कीजिए, है ना, क्योंकि आपकी बुद्धि बहुत तेज, ऐसा नहीं कह सकते कि आप बहुत ज्यादा भोले हो। तो इसलिए कहते हैं श्रद्धा करी, श्रद्धा करके साधु संग करो। श्रद्धा करके साधु संग का मतलब क्या होता है, हाथ ऐसे जोड़ करके बैठ जाए, श्रद्धा करके ऐसे हाथ जोड़ के बैठ जाए, जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनते रहे। श्रद्धा करी साधु संगे कृष्ण नाम ले, साधु संग गुरुजी संग का अर्थ बहुत बार करते थे, सम्यक अनुगमन संग, सम्यक गमन अर्थ होता है संग। तो श्रद्धा करके विश्वास करके कि बस मेरे जीवन का लक्ष्य यही है, जैसे गुरुजी ने शिक्षा दी है वैसा चलूंगा, या जैसा वो चला रहे हैं वैसा चलूंगा, या गुरुजी का अनुगत जो करने वाले जैसे चले हैं वैसा चलूंगा। इस प्रकार से श्रद्धा करी साधु संगे, श्रद्धा करी साधु संगे कृष्ण नाम ले। कृष्ण नाम लेने का मतलब हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, मेरे को बड़ा अच्छा लगा था परम पूजनीय श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी, जिनको सब लोग श्रील प्रभुपाद के नाम से जानते हैं, सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्य, उन्होंने बड़ा ही एक सुंदर अभ्यास बनाया कि वो शिष्यों के साथ बैठ करके महामंत्र करते हैं, सबके साथ बैठ के हरिनाम करते हैं।
उससे धीरे 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 कुछ लोगों के अंदर उनकी साउंड वाइब्रेशन इतनी बैठ गई, इतनी अंदर उतर गई कि उनको और कोई शब्द अच्छा ही ना लगे। एक उन्हीं के प्रिय शिष्य कृष्ण कांति प्रभु, जानते हैं कृष्ण कांति प्रभु, हम बहुत उनसे प्रेम करते थे, अभी हैं शायद कि नहीं मालूम नहीं। तो सन 2000 में शायद एक और मेरी कैसेट निकली थी, गैया चराए घर आए नंदे लाला, ये सुना नहीं ना आप लोगों ने, निकली और गायब भी हो गई। तो वो कैसेट के साथ में मैं पुरानी वाली कैसेट गोविंद मेरो है, दोनों कैसेट्स को लेके मैं प्रभु जी के पास गया। मतलब वो आए थे मठ में गुरुजी से मिलने, तो मैंने उनको बोला प्रभु जी, प्रणाम किया, अरे भगवान दास जी, भगवान दास जान दे आशीर्वाद दे, कैसे हैं, बढ़िया। और गुरु जी के श्री जय हो बाबा जी, जय हो। सवारियां कब आई, अभी लग गए अंदर तो नहीं जा रहे ना बाप। तो बोले वृंदावन बिहारी लाल की, तो बोले, मैंने कहा प्रभु जी कृपा करे इसको स्वीकार कीजिए। उनके हाथ में माला थी, मैं उधर से कैसेट पकड़ा रहा हूं, उनके हाथ में माला थी, तो प्रभु जी बस मैंने कहा प्रभु जी कैसेट हैं कीर्तन की कैसेट, बस प्रभु जी बस। मैंने कहा क्या आप आशीर्वाद नहीं देंगे, हाँ आशीर्वाद है। मैंने कहा आप इसको कम से कम रख लीजिए, कहते और किसी को दे देना। कहते देखो मैं प्रभुपाद जी के अलावा किसी की वाणी को सुन नहीं सकता, मेरे कान जो है ना, और उनको क्या करूं, बाप रे बाप। मैंने कहा कोई बात नहीं आप किसी को दे देना, मैं प्रभुपाद जी की वाणी के अलावा कुछ दे नहीं सकता। हे परमात्मा, मतलब ऐसी भी निष्ठा होती है अपने गुरु के प्रति। गुरु जी को आके सुन रहे हैं, गुरु जी की कथा सुन रहे हैं, गुरु जी के कीर्तन में योगदान कर रहे हैं, लेकिन मतलब हमारे जैसे जीव, हम तो बच्चे थे, जहां और किसी गायक को मतलब ही नहीं बनता। इतनी निष्ठा हमने देखी है अपने, इसको बोलते हैं साधु संगे नाम कीर्तन, जो व्यक्ति करता है उसका इतना ही दृढ़ता हो जाती कि वो साधु के संग में ही करने का उसका रुचि होता है। बहुत बढ़िया गा रहा है, सुर ताल लगा रहा है, जैसे बहुत सुर लगा रहा है, बहुत आओ बहुत कर रहा है, लेकिन ना तो गुरुदेव के प्रति प्रपत्ति है, ना ही ठाकुर जी के नाम को ठाकुर जी को सुनाने की वृत्ति है, केवल प्रतिष्ठा की कामना या कुछ और कनक कामनी की इच्छा है। तो ऐसे व्यक्ति के संग में आप उठ बैठ सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, लेकिन इनका संग नहीं करना। संग का मतलब उनका जो गाया कीर्तन है या कुछ है वो स्मरण नहीं करना। ऐसी ही बात चर्चा चलती रहती थी, तो एक बार हमारे एक गुरु भाई ने आरती में जाना बंद कर दिया। मैंने कहा भाई क्यों नहीं जा रहे, बराबर की उम्र के थे। कहते वो गाता है, मैं उसकी शक्ल नहीं देख सकता। मैंने कहा आरती तो भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, वो तो स्पीकर है भाई, बोंगे से आवाज आ रही, इधर से आवाज आ रही, अब ये थोड़ी आ रही, ये थोड़ी बोल रहा, अब इसमें बारीक आ जाए आवाज ची करके, तो बोलने वाला तो पीछे से बोल रहा ना, जो बोलने वाला तो गदन मेरे से नहीं होता, उसको नहीं देखा जा सकता। बड़ा समझाया, बड़ी देर बातचीत हुई, तो आना शुरू हुए, पीछे रहेंगे, उसकी शक्ल नहीं देखनी। मैं कहा चलो इतने ही बहुत, ये कोई श्रद्धा नहीं है। अगर नाम करने वाला व्यक्ति पतित है,
जितना भी पतित क्यों ना हो, नाम अगर कर रहा है ठाकुर जी का, वह भक्ति विनोद ठाकुर का कीर्तन, नरोत्तम ठाकुर का कीर्तन, तो कीर्तन करने वाले नरोत्तम ठाकुर जी हैं। ये भाव से हम यदि बैठेंगे तो हमारा साधु संग होगा श्रद्धा वाला। हम संग उन साधु का कर रहे हैं जिन साधु के शब्द हैं। अगर हम व्यक्ति को देख करके, विशेष करके उन कीर्तनों को, जो कीर्तन भगवान को सुख दे चुके हैं, उन कीर्तनों की अवहेलना करेंगे, तो ये एक प्रकार का नाम के प्रति अनादर होगा। तो इसलिए ये बातें जब समझी तो पीछे खड़े होकर के आरती पूरी अटेंड करनी, सब कुछ करना, चले जाना। फिर धीरे 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 करताल बजाने लग गए, तो मैंने कहा भैया, उसको बोला भैया तू मत गाया कर, फिर वो गाने लग गए। इस प्रकार से चला। कहने का मेरा अभिप्राय ये है, कई बार प्रतिकूल व्यक्ति भी अनुकूल भजन गा रहा होता है। हमने भजन का संग करना है, ऐसा नहीं करना कि वो गा रहा है तो मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो वो फिर श्रद्धा नहीं है मेरी। किसके प्रति श्रद्धा नहीं है? नाम करने वाले के प्रति। अवैष्णव का मतलब अदीक्षित। ऐसे कैसे हो सकता? मैं बता रहा हूं, दीक्षित अदीक्षित विचार। अच्छा, आप अवैष्णव जो है वो बता दीजिए कहीं और इसकी व्याख्या। भाई कनक कामनी प्रतिष्ठा छाड़ी आचे जार से ही तो वैष्णव। हाँ, बात बोला। हाँ, तो अगर दीक्षित भी क्यों ना हो, अगर वो कनक कामनी प्रतिष्ठा का दास है तो वो वैष्णव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उसके द्वारा अगर भागवत पाठ होता है, शब्द ब्रह्म है, भागवत तो भगवान की वांग्मयी मूर्ति है, तो उसको भी फिर श्रवण नहीं करना है, तो वो कोई, वो व्यक्ति फिर भागवत का संग कर रहा है। स्वयं वो व्यासदेव इस बात के, नारद गोस्वामी बोल रहे इस बात। ये बात जो महाराज जी ने बोली, इस पे विचार करना जरूरी है। कहते हैं कि भागवत जो है श्रवण उससे करें जो वैष्णव है, और वैष्णव कनक कामनी प्रतिष्ठा वाघिनी छाड़िया से जारा सही तो वैष्णव। ये वैष्णव की सुपरलेटिव डिग्री, ये स्टैंडर्ड है वैष्णव का। लेकिन इसके नीचे कनिष्ठ, मध्यम कनिष्ठ और अधम, ये भी आते हैं। तो जो बाकी लोग जो गा रहे हैं, आपने अभी जिसको बोला, वो अधम श्रेणी के वो भी हो सकते हैं? अरे जरूरी है कि वो एक व्यवहार के कारण, आप व्यक्ति के व्यक्तित्व को थोड़ी ना खत्म कर सकते हो। उदाहरण के लिए, किसी ने मेरे से व्यवहार गलत किया, मान लो, तो मेरे से व्यवहार गलत किया, बाकी उसका जीवन जैसा चल रहा वैसा चल रहा, मेरे से नहीं पटती, तो मेरे लिए अवैष्णव हो गया। वो विचार नहीं है ना, ना वो बात ही नहीं है यहाँ। यहाँ वो बात थी ना जो मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कीर्तन को लेकर के, कि कीर्तन का संग करने की जहाँ पर बात बोल रहे हैं, ये चीज सिर्फ इसी में क्यों लागू होती है? बाहर का भी तो व्यक्ति, वो तो कृष्ण कीर्तन ही कर रहा है। कृष्ण कीर्तन मतलब अधम है, चलो, लेकिन नाम तो भगवान का ही ले रहा है, फिर तो वो भी प्रामाणिक होना चाहिए उस हिसाब से। ठीक, ये मंथन साधु की बात बात में, बात बात में बात है ना, तो जवाब तो वही हो रही है, उसी के तो बात पर हो रही ना। उसके प्रति श्रद्धा कैसे होगी? उसके प्रति क्यों श्रद्धा करनी? वो हम आप लोगों को देख कर आए, आप लोग आप आपके साथ आचरण देखा आपका, तभी तो श्रद्धा बनती है। देखिए देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, आप लोग क्या कह रहे हैं? आप व्यक्ति के प्रति श्रद्धा की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति, कोई भी अधम से अधम व्यक्ति भी, पतित से पतित व्यक्ति भी, शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्त के मुख से निकली हुई वाणी का उच्चारण कर रहा है, तो मेरे को उस शुद्ध भक्त का स्मरण करना है। और अगर आप व्यक्ति का संग करेंगे तो कर लीजिए भैया, मैं तो नहीं करता, मैं अपनी बात बोल रहा हूं।
अधम से अधम व्यक्ति भी, पतित से पतित व्यक्ति भी, अजामिल से भी पतित व्यक्ति हो तो भी, अगर वह मेरे गुरुदेव की वाणी का पाठ कर रहा है तो मैं यही समझूंगा कि मेरे गुरुदेव इस व्यक्ति के मुख से मेरे को शासन कर रहे हैं। तब फिर नारद गोस्वामी ने जो कहा उस श्लोक का गति क्या है? उसको अब बोलने दोगे जब तो होगा। तो वो है अवैष्णव मुखोद उद्गीर्णम पूतम हरि कथा भृतम श्रवणम नैव कर्तव्य सर्पोचिष्ट यथा पाया। अवैष्णव का मतलब वहां पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने व्याख्या की है। अवैष्णव कौन? कर्म ज्ञान योग की शिक्षा देने वाला। वहां अवैष्णव का अर्थ प्रभुपाद जी ने जो किया है वो ये है कि जो व्यक्ति आपको हरि कथा बोल करके मुक्ति के मार्ग पे ले जाए वह व्यक्ति, उसके बारे में बोला है कि जो व्यक्ति बड़ी सुंदर सुंदर कथा बोल रहा है और अंत में बोले कृष्ण भी नहीं रहेंगे, राम भी नहीं रहेंगे, सब ब्रह्म में विलीन हो जाएगा, उसके लिए अवैष्णव शब्द का वहां प्रयोग हुआ है। कनक कामनी प्रतिष्ठा के लिए जो कथा करता है वो अलग हो गया। ना ना, वहां पे वो नहीं आएगा, वहां पे वो है नहीं, क्योंकि यहां वैष्णव में उत्तम मध्यम कनिष्ठ की जहां तक बात आती, क्योंकि हम लोग जितने भी हैं एक्स वाई जेड, आप मैं जितने भी लोग बैठे हैं, हम में से कोई थोड़ा और ज्यादा, कोई थोड़ा और ज्यादा, इतने ही निकले हैं, ठीक है। तो हम सारे अवैष्णव हैं, कीर्तन ना करें। गुरुदेव ने एक बार बड़ी जोर दे के बोला था इस बात को, बहुत जोर से, आई थिंक बठिंडा में बोला था। अपने मंगल के लिए करे, प्रचार के लिए थोड़ा करे। अरे अपने अपने मंगल के लिए तो कर, मंगल के लिए तो कीर्तन करेंगे ना। अपने मंगल के लिए जो कर रहा है, तो वही तो मैं बोल रहा हूं कि व्यक्ति जो कीर्तन कर रहा है सामने वाला, वो अपने मंगल, मेरे साथ उसका अगर व्यवहार खराब है तो मैं कैसे उसको अटेंड करूंगा? मेरा ये कहना है, उसको अटेंड करने का तरीका है कि भक्ति विनोद ठाकुर जी का कीर्तन कर रहा है, मेरे गुरु जी वाला कीर्तन कर रहा है, ये भाव से हूं वहां खड़े होंगे। मैं तो भागवत वगैरह पे, भागवत का तो मैं क्लियर कर दिया। नारद गोस्वामी का पहले मैंने क्लियर किया कौन सा अवैष्णव। वहां अवैष्णव विष्णु भक्ति विहीन अवैष्णवा, यहां विष्णु भक्ति करते हुए पतित अवस्था में कोई जीव है उसको वैष्णव पतित कहेंगे। अधम वैष्णव कह सकते हैं, कनिष्ठ वैष्णव कह सकते हैं, मध्यम ना कहो, उत्तम ना कहो, अधम कह सकते हैं या कनिष्ठ कह सकते हैं, वैष्णव उसको बोलना पड़ेगा। विष्णु मंत्र दीक्षित है वैष्णवा। अब वो टॉप डिग्री वाली कनक कामनी प्रतिष्ठा बाघनी छाड़िया से जरा सही तो वैष्णव, सही ना सकते, सही शुद्ध भक्त नहीं। नहीं, कनिष्ठ वही है जो इन तीनों चीजों के अंदर आ सकता है। मतलब कनिष्ठ वैष्णव जो अपने साथ, जो अपने साथ नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा ना। माइक ले लो, मुझे तर्क थोड़ा ना करने, जिज्ञासा है वो। तो जिज्ञासा जब हमारी पब्लिक भी सुन लगी ना, इसलिए उसको ध्यान से समझिए, चीज को ध्यान से समझिए। ब्लैक और व्हाइट नहीं होता है, ब्लैक व्हाइट नहीं होता कुछ, काला और सफेद ही नहीं होता है, इसके बीच में बहुत से कलर है। अवैष्णव वैष्णव ऐसा नहीं होता, अवैष्णव और वैष्णवता में भी बीच में कलर्स हैं, क्या है वो समझना है। जो विष्णु भक्ति विरोधी है वो अवैष्णव है, जो भगवान की सेवा को नित्य नहीं मानते हैं वो अवैष्णव है। उनके मुख से भागवत श्रवण करना सर्प के उचिष्ट का पय पान के बराबर है, ये है भागवत के बारे में, ठीक है जी। शुद्ध भक्ति के मार्ग में आया हुआ अजामिल, शुद्ध भक्ति के मार्ग में आया हुआ मुझ जैसा पतित, जहां जगाई मधाई जैसा व्यक्ति उत्तम नहीं हुआ है, मध्यम भी नहीं हुआ, इवन कि कनिष्ठ भी नहीं हुआ, ऐसे व्यक्ति के द्वारा जब गुरुजनों के द्वारा उच्चारित नाम
जहां गुरुजनों के द्वारा उच्चारित कीर्तन किया जाता है, तो आप व्यक्ति का संग नहीं करें, साधु संग के लिए बोला है। बड़ी बड़ा सुंदर एक लाइन बोली है, उसको थोड़ा सा कहना चाहूंगा। सावधान है, क्रम धरो यदि सिद्धि चाहो। क्रम पकड़ना है, कौन सा? अपने से श्रेष्ठ का। ठीक है, हम किसका क्रम पकड़ रहे हैं? अपने से छोटा गा रहा है और गलत, मतलब व्यक्ति गा रहा है। यहां पे साधुर चरित्र देखिए, असाधु का चरित्र देख के नहीं, शुद्ध बुद्धि भाव। यहां साधुर चरित्र देखने का मतलब, आप अगर व्यक्ति को देखोगे, किसी भी व्यक्ति को, मैं तो गुरु महाराज जी ने एक दिन बोला, कहते सब तो कीचड़ में है, सब तो कीचड़ में, कौन ज्यादा है कोई कम है, यही तो। उसको ये लगा कीचड़, बोलो एक कीचड़, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण नहीं करना, समय नहीं है ज्यादा। ऐसे गुरु जी ने कांपती हुई आवाज में कहा, क्या करेंगे? गुरु जी को देखना है, वैष्णवो को देखना है, जो हमारे आदर्श हैं उनको देखते हुए अगर कहीं कोई व्यक्ति उन्हीं की वाणी का उच्चारण कर रहा है, तो हमें ये सोचना है कि ये मेरे को ऊपर से शासन है। और तो और ये तो बात छोड़ दो कि गुरु जी की वाणी का उच्चारण कर, एक ऐसी स्थिति आती है, मेरी तो आ चुकी है, एक ऐसी स्थिति आती है कि कोई व्यक्ति थर्ड पर्सन, नास्तिक से नास्तिक, असाधु, जहां कोई भी ऐसा व्यक्ति जब मेरी कोई क्रिया में बाधा देता है, वो क्रिया जो मेरी भक्ति के विरुद्ध है, उस क्रिया में बाधा देता है, मेरे को गुरुजी दिखाई देते हैं कि गुरुजी ने कृपा की। आप मतलब वैष्णव अवैष्णव की बात छोड़ करके बिल्कुल एक थर्ड पर्सन, एक शराबीद कबाबीद दारूबाज व्यक्ति, उसने अगर मेरे को साधु होकर के ऐसे बोला, साथ साथ में हाथ जोड़ दी, मैं दो तीन बार मेरे साथ इंसिडेंट हो चुका है इसलिए बता रहा हूं, हाथ जोड़ दी, हाँ भाई सब गलती आ गई, और वहां से चुपचाप होकर निकल लिया। आसाम की घटना है, घटना सुनाने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है, गुरुदेव मेरे सर्वत्र मुझ पे निज नजर रखे हुए हैं, ये दृष्टि आएगी, चित्रूपी दर्पण, अभी मेरा मार्जित नहीं हुआ है पूरी तरह, लेकिन आप थोड़ा धुंधला नजर आ रहा है, मार्जित होने के बाद में ये दिखलाई देगा। गुरु महाराज जी, श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी ने एक बात कही, गुरु तत्व ग्रंथ लिखा, महाराज जी ने तो पढ़ा है, मैंने तो पढ़ा नहीं, मैंने सुना इन्हीं से थोड़ा सा, और एक कमलाक्ष प्रभु से थोड़ा सा सुना था, उसमें बड़ी सुंदर बात कही, कहते आमार गुरु नित्य, माई गुरु इज इटर्नल, ही इज ऑल एग्जिस्ट, इज एवरीवेयर, I can see him in every particle. वो कहते हैं मेरे गुरुदेव नित्य हैं, सर्वत्र हैं, एज इट इज शब्द नहीं है लेकिन वो भाव अर्थ है, इंग्लिश में थी बुक, मेरे गुरु नित्य हैं, सर्वत्र हैं, मैं देख सकता हूं उनको हर इंडिविजुअल व्यक्ति के अंदर, पार्टिकल्स में देख सकता हूं। कैसे देख सकते हैं? संबंध है गुरु से, जब संबंध होगा तो पतित व्यक्ति के अंदर आप कैसे देखोगे? ऐसे देखो कि गुरुजी सावधान कर रहे हैं कि इसके अंदर नहीं जाना, ऐसी अवस्था में तुमने नहीं गिरना है। क्यों हम लोगों को अजामिल का प्रसंग सुनाया जाता है? क्यों हमको जो है अन्य प्रसंग सुनाए जाते हैं ऋषियों के, कि ऋषि का पतन हो गया, क्यों सुनाए जाते हैं कि इतने ऊपर जाने के बाद भी ये होने से ऐसे हो जाएगा, ऐसा नहीं करना, इसलिए सुनाए जाते हैं। निंदा थोड़ी की जाती उनकी, वाल्मीकि जी की निंदा की जा रही है, वो तो महिमा बताई जा रही नाम की, कि देखो वो ऐसे थे ऐसे हो गए। क्या वो जड़ भरत जी महाराज जी उनकी निंदा, इंद्रुम्न की निंदा की जा रही है कि नहीं, इतने महान थे चित्रकेतु, असुर हो गए? ये दिखलाना निंदा नहीं है, उल्टा हमारे लिए शिक्षणीय है कि हमने कैसे चलना है।
तो यहां जो क्या ना श्रद्धा करी साधु संगी कृष्ण नाम लय अनर्थ सकल जाए निष्ठा उपज। निष्ठा किसमें होगी? निश्चित रूप से स्थिति हमारी, निष्ठा माने निश्चित स्थान मिल जाए, स्थान मिल जाए, स्थित हो जाए, निष्ठा निश्चित रूप से स्थिति हो जाए। ये निष्ठा किसमें होगी? अनर्थ सकल चले जाएंगे उसमें, उसके बाद सब अनर्थ जाने के बाद निष्ठा होगी। कब होगी निष्ठा? साधु संग जब होगा। साधु संग कब होगा? जब हमको अपने गुरुदेव की वाणी, जहाँ गुरुदेव से, अब देखो गुरु महाराज जी को गुरुदेव ने कई ऐसे आचरण करके दिखलाए, हालांकि वो पतित अवस्था में नहीं थे, परंतु उन्होंने दिखलाया कि कैसी कैसी अवस्था में भी हर अवस्था में हमें ऐसा ही अनुभव करना। गुरु जी बोलते नहीं थे हम तो यहाँ पे किसको धन्यवाद करेगा, ये तो हमारा फलाना प्रभु जी फलाना जी इन सब लोगों ने आयोजन किया, इन सब का हम चैतन्य घोड़े मठ की तरफ से हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करता है। इसके अलावा यहाँ पे श्रोत्री मंडली है, मातृ मंडली है, ये सब लोग भी हमारा गुरु का कार्य किया, बोलते थे नहीं? वो ऐसे मुंह से बोल रहे हैं, जहां सम्मान देने के लिए बोल रहे बाहर से, हो सकता है बाहर से सम्मान देने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा बोलना चाहिए एटिकेट से वैष्णव का, नहीं, उनका वो दर्शन था। क्योंकि एक बार किस वैष्णव ने उनसे पूछा, मेरे को ध्यान नहीं, शायद गर्ग साहब ने पूछा कि महाराज जी आप ऐसे कैसे बोलते हो, बाद में कमरे में जाके, सनातन धर्म मंदिर है ना भटिंडा में, वहां एक आए थे, आपको अगर ध्यान हो तो जटा वाले, जटा जूट वाले मोनी बाबा जी, याद है? वो बड़ी सुंदर घटना है वो भी। एक मोनी बाबा आए थे तो उनका मौन था, सिर्फ लिख करके बात करते थे, तो गुरुजी को मिलने आए कि संत आए चलो मिलने जाएं। गुरुजी को कमरे में मिलने के लिए गए, जैसे गुरुजी को गए उन्होंने लिख करके दे दिया। गुरुजी कहते आप तो लिख करके बोल रहा है, मुख से नहीं बोला, लिख के तो बोला। तो साथ साथ उन्हें अपना मौन तोड़ दिया, कहते महाराज जी मैं लोगों के लिए मेरा मौन है, आपके चरणों में मेरा क्या मौन है। गुरुजी मुझको खिलखिला के हंस पड़े, जैसे बच्चा हंसता ना, हाँ बोल पड़ा, हाँ बोलने लगा। फिर गुरुजी ने थोड़ा वार्तालाप किया, बड़ी जटाएं थी उनकी, बड़ा सुंदर स्वरूप था। उस उन दिनों की बात है, गुरुजी यही जो आखिरी दिन में, तो गर्ग साहब आके बोले कि तुम्हारी तुम ऐस तरह क्यों बोलते हो कि भी आप श्रोता, कहते देखो आपको नहीं मालूम है हम हृदय से बोलते हैं। अब क्या हृदय से बोलते हैं, मैंने उसकी कल्पना की, इट्स नॉट मैंने अनुभव किया, कल्पना की क्या बोलते हैं। गुरुजी वहीं पे क्लियर करते हैं कथाई में आखिरी समय, अगर हम एकांत में होता तो हम बुरा चिंतन करता, आप लोग आ गया बैठ गया हरि कथा सुनाओ, अभी हम और कुछ बोल नहीं सकता, हरि कथा बोलना होगा, इसलिए आप हमारा गुरुजी का कार्य किया, आपको तो दक्षिणा देना होगा, हमारे पास तो दक्षिणा नहीं है, हम तो क्या देगा, भिखारी है, आपसे लेके खाता है, मांग के खाता है, हम क्या देगा, क्या दक्षिणा ज्ञान संदेशम, ऐसे गुरुजी ज्ञान संदेशम शब्द याद है कि दक्षिणा ज्ञान संदेशम, ज्ञान संदेश ही हमारा दक्षिणा, इसको लेके आप प्रसन्न हो जाइए, ऐसा गुरुजी बोलते थे। वो दर्शन है हमारा, वो दर्शन मेरा अभी वो दर्शन नहीं हुआ, लेकिन वो दर्शन है, वो हमारा स्टैंडर्ड होना है आने वाले समय पे, वो स्टैंडर्ड होना। पहले मैं बच्चों पे उत्पात करते थे, शासन करता था, अभी इतना लेस हो गया, इतना कम कर दिया, मेरे को लगता है ये गुरुजी के भेजे हुए चेले हैं जो मेरे पे शासन करने आए, जो बच्चे लोग हैं नए आ रहे हैं मेरे पे शासन करने आए, मेरे को अपने आप को शासन करना, कैसे करना, मैं सेवा में लग जाऊंगा, नहीं करने ना से, इस तरीके के धीरे धीरे भाव, अभी पूरी नहीं हुई है, मारूंगा मैं, उत्पात करेंगे तो लट्ट पीड़ेगा, लेकिन ये एक बात कह रहा हूं, ये स्टैंडर्ड पे पहुंचना है, वो स्टैंडर्ड पे जाना है, जैसे जैसे जाते जाएंगे वैसे वैसे हमें मालूम पड़ेगा कि हमारे अनर्थ क्या, कौन से अनर्थ, चार प्रकार के मूल रूप से, स्वरूप भ्रम मैं कौन हूं, असत तृष्णा शरीर इसके प्रति तृष्णा,
और इसके संबंध में जितनी भी वस्तुएं उनके प्रति तृष्णा, असत तृष्णा, हृदय दुर्बल। जब इसके प्रति तृष्णा होगी तो हृदय की सारी शक्ति यहीं लगेगी, जब यहां लगेगी तो दुर्बल हो जाएगा हृदय, नाम कैसे करेगा। जब नाम ही नहीं करेगा तो नाम के प्रति अपराध करेगा। तो ये चार जो है, स्वरूप ब्रह्म, असत तृष्णा, हृदय दुर्बल और अपराध, ये सारे के सारे चले जाएंगे जब हम श्रद्धा के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ गुरुदेव का संग करेंगे, वैष्णव संग करेंगे। हाँ, ये बोलो, बात ये है कि मैंने जो बोल दिया ये तो वैष्णव लोग इतना नहीं उसमें मंथन कर सकते। आप कन्विंस कितने परसेंट है, नहीं है वो बताइए कितने नहीं है, तब फिर आगे की चर्चा चले। दो मंथन ही होता है लोग। नहीं मंथन करो, क्या जा रहा है और काम क्या है, हमारा धंधा ही है। धर्म संकट में मत बात अवस्था की है, दर्शन की है ना, तो मैं जिस विचार और जिस दर्शन का अनुगत करता हूँ उस हिसाब से मैं पूर्ण रूप से सहमत नहीं हो पाऊँगा। ये मेरी अपनी समस्या है। पूज्य महाराज श्री ने बड़ा समय के साथ में बहुत सुंदर एक विवरण दिया, क्योंकि अगर हम मेरे जैसे विचारों को लेके चलते हैं फिर तो आदमी कहीं भी किसी का कुछ भी नहीं सुन सकता है। मेरे जो सोच है, मेरे जो दृष्टि है, उस हिसाब से तो मैं बिल्कुल ऐसे ही चलता, मेरी स्थिति ऐसी, मैं क्या करूं। लेकिन अगर एक साधारण विचार से देखते, और मैं तो पूज्यपाद भारती गोसाई महाराज जी का कृपा है, गुरु महाराज जी का इनका, इसलिए मैं बच गया। नहीं तो ऐसे विचार पे चलने पे किसी के प्रति रति भर भी श्रद्धा नहीं होगा, फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए महाराज जो कह रहे हैं साधारण विचार से वो उत्तम ही है, इसलिए उस विचार से सहमति है। बट मैं जिस स्थिति से गुजर रहा हूँ, मेरी जो सोच है, मेरे जो जीने का ढंग है, उसमें मैं, मेरे लिए मैं वो नहीं हूँ। आप क्या सोच रहे हैं, आप चल सकते हैं कि नहीं चल सकते, बात ये नहीं है, बात है सिद्धांत की। जो सिद्धांत उन्होंने बोला उस पर आप कन्विंस रहते हैं, जो तो बोल दिया। प्रभु जी, हर चीज का दो विचार होते हैं। अब मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, जब इतनी बात आई गया था, पूज्यपाद भारती गोसाई महाराज जी के साथ मैं रूम में बैठा, महाराज से बात कर रहा, एक सेवक को लेकर के चर्चा हो रहा है, वो सेवक हमारे उम्र का नहीं है, एक विचार से जो है महाराज जी के ही गुरु भाई मान लो, उन्हीं को लेके चर्चा हो रहा है। मैं महाराज जी के चरणों में निवेदन करता था कोई भी बात होने से, कि मुझे आप जब तक हैं जो बोलने आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा, ताकि मैं किसी प्रकार के भ्रम में या ऐसी ऐसी कोई विचार में नहीं रहना चाहता। आप मुझे डायरेक्ट बोलेंगे, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपकी दृष्टि से चीज़ को समझना चाहता हूँ। तो महाराज उस समय मुझे बता रहे थे एक सेवक के बारे में, बोलते बोलते उन्होंने एक बात बोला, देखो अवगुण तो रहता है, बदजीव है, अवगुण तो रहता है, लेकिन सेवा तो कर रहा है,
और जो सेवा कर रहा है, यहां तक बोल दिया महाराज ने कि विग्रह सेवा ही क्यों ना करता हो। महाराज बोलते हैं उसको भी हमें स्वीकार करते हुए ही चलना चाहिए, उसी में मंगल है। महाराज विग्रह सेवा के लिए बोला था, एक व्यक्ति मैंने बोला महाराज जी वो जब चरित्र ठीक नहीं है, है ना, और वो व्यक्ति मान लो श्री विग्रह को स्पर्श करता है, मैंने बोला महाराज कहाँ तक उचित है। महाराज जी ने उसके ऊपर कोई विशेष वो दिया नहीं, महाराज वहां पर दर्शन ये है कि हमारे गुरुदेव के ठाकुर है। महाराज बोलते हैं कीर्तन हमारे आचार्यों का है, हरिकथा उनका है, तो उनका जो सेवा कर रहा है, करने वाला चाहे एक समय पे आके कैसा भी है, तुम्हारा ध्यान ये होना चाहिए कि मेरे गुरुदेव के ठाकुर की सेवा हो रहा है, हम उससे मदद ले रहे हैं। यहाँ तक बोला, मतलब इतने एक्सट्रीम तक उन्होंने समय के साथ में उन्होंने कहा। तो इसीलिए वैसे हमेशा प्रयास करना चाहिए कि उत्तम तरीका से ही कीर्तन हो, उत्तम भाव से ही सेवा हो, सब कुछ उत्तम ही हो। लेकिन जैसे अंधों में से बेचारा वो ही श्रेष्ठ जैसे मानते हैं ऐसे, तो इसीलिए ऐसे शुद्ध भक्तों का जहाँ पर संगति हमारे लिए सुलभ नहीं है, तो शुद्ध भक्तों की वाणी का अनुकीर्तन करने वाला और शुद्ध भक्तों के ठाकुर का सेवा करने वाला व्यक्ति थोड़ा बहुत उसके अंदर जो भी हो ना ध्यान देते हुए कीर्तन पे ध्यान दे के चलने से उसका क्या होगा भगवान जाने, हमारा पक्का मंगल हो जाएगा ऐसा। तो ऐसे महाराज श्री के मुख से ही सुना है ऐसे, मतलब एकदम रिजिड नहीं हो के चल सकते एक पॉइंट पे आके, कि एकदम रिजिड हो के नहीं चल सकते, अगर चलेंगे तो ले दे के हम लोग लॉस पे आ जाएंगे। एक थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखना होता है ऐसे करके, और वो फ्लेक्सिबिलिटी की कहाँ तक जाया जा सकता है वो उस दिन उन्होंने ये बात से उन्होंने बताया। तो इसीलिए उस विचार से अगर मैं देखता हूँ तो महाराज श्री जो कह रहे हैं कि बिल्कुल वो सिद्धांतिक है, है ना, वो तो सही बात है। जैसा भी है व्यक्ति शुद्ध भक्तों का अनुगत ही कर रहा है, उसके अपने कमियां हैं, लेकिन कर तो शुद्ध भक्तों का अनुगत ही रहा है, उन्हीं का वाणी का अनुकीर्तन भी कर रहा है, तो उस विचार से उसको स्वीकार किया जा सकता है और उसमें कोई दोष नहीं है, वो बिल्कुल मतलब अच्छा है। लेकिन जैसे आदमी कर्म ज्ञान और चक्रों में जाता है तो पूरी तरह से तो भटक ही गया। तो ऐसा हमने गुरुजी ने एक बात कही थी, उसको स्वीकार करने वाली बात नहीं कही गुरुजी ने, 89 की बात है, गुरुजी कहा था, बिल्कुल स्मरण होगा जो मैंने घटना वाली बात सुनाई है, गुरुजी उनका संग करना उनका संग नहीं करना, उनका निंदा नहीं करना, उनसे झगड़ा नहीं करना। प्रत्येक जीव में कोई ना कोई गुण है, उसको देख के प्रणाम करना। नहीं इधर तो उनके संगता तो बात ही नहीं है। नहीं हाँ उस संग वाली बात आपने बोला ना कि इसलिए उनका वो करे, उनका संग करने की बात मैंने नहीं कहा, कुछ ऐसे ही लगा ना, मैं तो वो शब्द ही नहीं बोलता, मैंने तो सिर्फ एक्सेप्ट करना, कुछ ऐसे उसको ऐसे एक्सेप्ट केवल हमें वहाँ ऐसे स्वीकार करना है, भगवान की सेवा गुरुवर्गों की जो सेवा उनकी वाणी का कीर्तन सिर्फ उतना तक की बात हो रहा है। ये फिर समझौता नहीं हुआ, ये तो समझौता नहीं, ये तो समझौता है ही नहीं, समय से समझौता नहीं हो गया बिल्कुल। अगर उससे ऊपर का कोई ब्रह्मचारी महात्मा आ गया तो फिर आप जी अगर ऐसी कुछ होता है तो फिर हम प्रोसीड करेंगे ना, तो उसको तो फिर पीछे करना पड़ेगा। नहीं नहीं ये गलत है, आप पीछे करोगे तब गड़बड़ हो जाएगी आपकी। आपने एक बात सिर्फ दिमाग में घुसा लो आज, ठीक है, एक गुरुजी के आदेश को समझना, मैं नहीं बोल रहा हूं, दिमाग में घुसा लो इसको, ब्रेन वॉश कर दो आज, ये रखो कि गुरुजी के जो अनुगत चल रहे हैं उनका तो हमने फॉलो करना है, जो गुरुजी के अनुगत में नहीं है अगर गुरुजी की वाणी को बोल रहे तो हमने वाणी का अनुगत करना है, कदम का अनुगत।
ये कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है इसमें, इसमें तो एक और ज्यादा कट्टरता है, इसमें कॉम्प्रोमाइजेशन कहां है, यहां तो और ज्यादा निष्ठा है। जैसे हमारे श्रीपाद कृष्णकांति प्रभु ने कही, मैं तो प्रभु जी चरणों में लोटपोट हो गया, मतलब फिजिकली नहीं हुआ हृदय से, मैं कहा प्रभु जी कमाल है, आज तो आपने मेरी आंखें खोल दी, कहते मेरा अपराध में लेना प्रभु जी, मेरा अपराध में लेना, इतना दैन्यता के साथ मेरे को बोले आप हमारे बच्चे को अपराध में लेना, इतना प्यार से बोले। आप सोच सकते हैं कि वो मेरा अपमान भी नहीं कर रहे, लेकिन कितना स्टैंडर्ड है उनका, गुरु जी का संग कर रहे, गुरु जी का संग कर रहे, गुरु जी को आत्मा से चाहते हैं, ये चाहते हैं, वही तो स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, ना अनादर नहीं किसी का कर रहा, अनादर बेशक नहीं किया, जो चरित्र उन्होंने दिखाया वो तो शुरू से एक ही बात बोली जा रही है, आपको इतनी देर से क्या बोला जा रहा है, एक ही तो बात बोली जा रही है, गुरु जी गुरु जी गुरु जी, ये तो कहीं ना कहीं जब एक व्यक्ति जो है गुरुदेव की वाणी का कीर्तन कर रहा है, जब भी वो उस अवस्था में नहीं है, दिखाई भी देता है, लेकिन वाणी तो गुरुदेव का है, तो इस कारण से हम वो शब्द सुनकर गुरुदेव को ही स्मरण करने की बात है। अब ठाकुर जी का सेवा कर रहा है वो बेकार है, लेकिन ठाकुर जी तो गुरु जी का है, उस दृष्टि से लिया जाता है बस, लेकिन हमें वो व्यक्तियों से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा ऐसा सोचने लगे ना, पानी नहीं पी सकते हो, सब्जी नहीं खा सकते, सभी में कोई ना कोई ना, ना सब्जी भी नहीं खा सकते, पानी भी नहीं पी सकते, चावल भी नहीं खा सकते, ना जाने कैसे पानी से बनी, ना जाने कौन सी खाद यूज हुई, वृंदावन की हरी लाल खाद कैसी कैसी जा रही है, आपके दिल्ली का जितना पानी है सारा सब्जियों में जा रहा है, वहां से फिल्टर होके वापस आ रहा है, तो विषय खराब थी। हमारे श्री जैसे आपने बताया, आपने बताया हमारे श्री जैसे कि कोई व्यक्ति कीर्तन कर रहा है भक्ति विनोद ठाकुर का, तो जिस भाव में वो कीर्तन किया गया भक्ति विनोद ठाकुर ने या नरोत्तम दास ठाकुर ने, अब जो कोई ऐसा कलाकार करता है, ऐसा कुछ कलाकार करता है और उसमें वो भावना होकर संसार को रिझाने के लिए कुछ ऐसा सुर लगाते हैं या वो जो भाव नहीं आता, तो उसका सुनना उचित है? तूने नरोत्तम ठाकुर का भाव देखा है? नहीं। भक्तिनाथ ठाकुर जी का भाव देखा, उन्होंने कैसे गाया था? जब तूने देखा ही नहीं उनका भाव, उन्होंने कैसे गाया, तो तू कैसे बोला कि ये भाव ऐसा नहीं वैसा नहीं? भक्तिनाथ ठाकुर के शब्दों की तरफ ध्यान दो, सुरताल तुम्हें नहीं आते हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम्हें नहीं आते, जैसे आते उसे तो आनंद आ रहा है। कल जो है श्रीधर गोस्वामी महाराज जी श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने श्री भारती गोस्वामी महाराज जी को इस विषय में विशेष रूप से कहा था कि तुम सुर ताल स्वरों पे ध्यान देना नहीं, जिसको आता है वो सुर है, तो जिसको आ रहा है जो गा रहा है, जिसको समझ में आ रहा है तो ठीक है, लेकिन तुमने दूसरा गा रहा है उसके सुरों पे उसके भावों पे चिंता नहीं करना है। किसी को जब खुद के ऊपर लागू करते हैं, पूज्य महाराज श्री ने श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने ये बात भारती गोस्वामी महाराज को कहा था कि तुम सुर पे राग पे ताल पे इनके ऊपर फोकस करना नहीं, तुम उसके अर्थ चिंतन करते हुए कीर्तन करो। और यही बात श्री गुरु महाराज जी ने भी कहा कि ये जो भक्ति विनोद ठाकुर प्रेम भक्ति चंद्रिका शरणागति प्रार्थना कल्याण कल्पतरु के बारे में गुरु जी बोलते हुए बोलते हैं, आप इन कीर्तनों का अर्थ चिंतन करते हुए कीर्तन करो, ये तुम्हें इस संसार से बंधन से मुक्त करके तुम्हारा उद्धार करेगा। तो जिनको आते हैं वो सुर में आकर गा रहे हैं, जो उस चीज को समझते हैं तो अच्छी बात है। अभी इसका कहने का तात्पर्य और सबसे पहले बात की, अब जैसे गुरु महाराज जी जब कीर्तन करते हैं गायते नाम की दशा है, तो उसमें ना शब निर्धारा आपके सारे तालियां मारते हैं ना, मठ में सब तालियां मारते हैं, शब निर्धारा आखि भरी सा गुरु जी मारते हैं, गुरु जी तो बोला ना ये ठीक ढंग से कब बोला तुमने कभी, शब्दों पे ध्यान दो वाणी पे ध्यान दो, अपना ध्यान कीर्तन में रखो, ना कि हमारा उस कार है वहां पर रहता है, उस व्यक्ति के ऊपर रहता है, इसीलिए गड़बड़
इसलिए श्रीधर गोस्वामी महाराज ने जो बात कही इसलिए कही, वही क्वेश्चन का तुम्हारे प्रश्न का आंसर श्रीधर गोस्वामी महाराज ने श्री भारती गोस्वामी महाराज से कहा कि वो प्रश्न ये है कि बिरह वाले कीर्तन में नाच नाच के कैसे गा सकते हैं। तो भैया वो है ही ऐसा, कीर्तन आनंद दे रहा है और विरह में जो आनंद है वो मिलन से आनंद से हजार गुना ज्यादा करोड़ गुना ज्यादा है। तेरे को नहीं आ रहा उनको आ रहा है। और वो सब कई ऐसे होते हैं जो गाने वाले उनको नहीं भी समझा रहा हो, तो ये भी हो सकता है जो गाने वाला उसको भी नहीं समझा रहा हो, हमें उससे भी लेना देना नहीं, हमारे हृदय को वो स्पर्श नहीं कर पा रहा है उनका, उनको देखने के कारण शब्द तो हमारे आचार्य होंगे लेकिन उनके मुंह से निकल रहा है, वो हमें हृदय को स्पर्श नहीं कर रहे तो प्रणाम करके अपना रास्ता पकड़ लेते हैं। पकड़ने का मतलब भाग जाएगा या दूर जाएगा ना, मतलब रहना है लेकिन ऐसे बावला नहीं होना, बावले को इनको सीधा सीधा स्ट्रेट इनको हो दिया ऐसा। कीर्तन में बैठना, कीर्तन करना है, करताल बजाना, उठना नहीं है, बीच में छोड़ के भाग गया वो आ गया मैं चला ऐसा नहीं लगा दो। भजन चुनाव